वेलकम टू आवर चैनल रंजना स्टडी सेंटर। आप सभी अपडेट में लेके आया हूँ वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है और पहला एग्ज़ाम जो है वो हिंदी का है। तो इसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा, तो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताऊँगा कि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे एग्जाम में उसका डिस्कशन इस वीडियो में करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हिंदी का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा, जिसमें से 50 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 30 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा एक नंबर का, उसमें जो है आप लोगों के टोटल 22 MCQ होंगे, यानी 22 टिक मार्क के क्वेश्चन होंगे और 8 SAQ होंगे। तो इस प्रकार से 30 मार्क्स होगा। तो इसी 30 मार्क्स का मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट बी, क्वेश्चन का पार्ट बी आप लोगों का रहेगा 30 मार्क्स का। तो इसमें आप लोगों के गद खंड में आप लोगों का कूटक जो है एक निबंध है और 3 कहानी है, भाई बहन, नशा और मलबे का मालिक। तो ये चारों लेसन मिला के 6 MCQ आने वाला, तो उसी का डिस्कशन मैं कर रहा हूँ वीडियो में। तो आइए देखते हैं, कुटज किसकी भांति घोषणा करता है? तो इसका आंसर है राजा जनक। कुटज किस कोटि का निबंध है? ललित निबंध है। परवश होने का क्या अर्थ है? दूसरों के अधीन होना। जीना भी एक कला है, यह पंक्ति किस पाठ से है? तो कुटज से। लेखक ने किसे शोभा निकेतन कहा है? पर्वत को। रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है, इस पाठ के लेखक कौन है? तो ये जो लाइनिंग है इस पाठ, इसके लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। यह वाक्य किस पाठ से लिया गया है? तो कुटज से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन कुटज का पर्याय नहीं है? तो यहाँ पे जो आंसर है इसका, गिरी पुण्य कुटज का पर्याय नहीं है। शिवालिक क्या है? तो शिवालिक जो है वो एक पर्वत श्रेणी है। सिलवालेवी कौन है? सिलवालेवी भाषा वैज्ञानिक है। अगत्स्य मुनि, तो कुटज नाम से किस मुनि को जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर देख सकते हैं अगत्स्य मुनि को। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय परिवार का अर्थ होता है? तो दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा। जीजी विशा शब्द का तात्पर्य है? द्विवेदी जी ने मनस्वी मित्र किसे कहा है? कुटज को। परदात समान है पर नहीं सूझ रहा है, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? रामगिरी पर। संस्कृत कैसी भाषा है? सर्वग्राही। गिरिकूट बिहारी किसे कहा गया है? कुटज को। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे पंक्ति किस काव्य की है? तो यह है मेघदूत की। द्विवेदी जी ने चीर परिचित दोस्त किसे कहा है? तो कुटज को। कालिदास के संतप्त दुखी मन को किसने सहारा दिया? कुटज ने। आत्मनस्तु कमाया सर्वप्रिय भवती किसका कथन है? याज्ञवल्क्य का। पंडित लोग किसकी छानबीन करके हैरान होते हैं? संस्कृत भाषा की। संस्कृत भाषा वृक्ष और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द कहाँ से आए हैं? तो अग्निकोण भाषा के। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बलिया में। हजारी प्रसाद द्विवेदी अन्य किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे दिया हुआ है। धन्य हो कूटस तुम डैश के साथी हो, तो गाढ़े का होगा। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, पदार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, वाक्य किस पाठ से है? कूटस से। मध्ययुगीन भारतीय काव्य में प्रवृत्ति किसे बड़े आदर के साथ स्मरण करते हैं? तो रहीम को। लोगों की बेरुखी और बेकदरदानी से मुरझा गए होंगे, किसके बारे में कहा गया है? रहीम के बारे में। पंडित लोग किसकी छानबीन करके हैरान होते हैं? संस्कृत भाषा की। द्विवेदी जी ने किसे बेहया और मस्त महिला कहा है? कुटज को। द्विवेदी जी ने तो अगला जो लेसन है वो भाई बहन कहानी से है। तो में है और इस कहानी से कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो एग्जाम में आएंगे तो देख सकते हैं। तुम चाल चलन में, पढ़ने लिखने में अच्छे हो पर बड़े अभिमानी हो, यह कथन श्री राम का है और यह अपने छोटे भाई जो है साहब से कह रहे हैं। भाई बहन किस प्रकार की रचना है? तो राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम की यह रचना है। भाई बहन के रचनाकार कौन है? बंग महिला, जिनका असली नाम है राजेंद्र बाला घोष। यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, राजेंद्र बाला घोष में। भाई बहन किस विधा की रचना है? तो कहानी है। पर तब भी चेत नहीं होता किस गद का अंश है? भाई बहन। सुंदरी कितनी पूंजी लेकर मेला देखने चली थी? एक आना। भाई बहन कहानी में भाई बहन कौन कौन है?
तो श्री राम साहब और सुंदरिया, साहब का ही नाम था हरी राम और सुंदरिया का ही नाम था सुंदर देई। सुंदरिया का वास्तविक नाम सुंदर देई, सुंदरिया की उम्र 6-7 साल, साहब का वास्तविक नाम हरी राम। सुंदरिया और साहब किसके साथ मेला जा रहे थे? पिता के साथ। इनके पिता का नाम क्या है? तो बाबू जयराम दास जी। हमारे देश के कारीगर गरीब है क्योंकि उनके बनाए सामान को कोई नहीं खरीदता। साहब की उम्र कितनी है? राम द्वारा खोली गई दुकान का नाम क्या है? मातृ भंडार। बंग महिला हमारे चैनल पे। तो मलबे का मालिका देखते हैं क्वेश्चन। उसके होंठ गाढ़े लार से चिपक गए, उसके किससे संकेतिक है? तो यहाँ पे जो है रखे पहलवान इसका आंसर होगा। सेशन में गलत दिया हुआ है, चिराग दीन आंसर है, लेकिन यहाँ पे
गनी क्या है, पिता है, चिराग क्या है, पुत्र है, गनी मियाँ और चिराग दीन। मलबे का मालिक में उजड़े बाजार का नाम क्या है, बाजार। भाषा में मुख्यतः क्या बिकता है, बांस और सहतीरे। 15 साल पहले ने कहा कि अब्दुल गनी रखे पहलवान। चिरागदीन की हत्या किसने की, रखे पहलवान ने। चिरागदीन पैसे से क्या जी, निम्नलिखित में से कौन गनी मियाँ के परिवार का नहीं है, मनोरी। बहुत दिनों के बाद बाजारों में क्या नजर आ रही है, तुरेदार पगड़ियाँ और लाल तुर्की टोपियाँ। आसिफ अली कौन थे, हकीम। शहर के लोग किस और उत्साहपूर्वक देख रहे थे, पाकिस्तानियों की ओर। पाकिस्तान से आए लोगों में क्या देखकर हैरानी रह जाती है, भर जाती है, परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन गनी मियाँ का परिवार का नहीं है, तो लच्छा परिवार का नहीं है, लेकिन जुबैदा, किसवर, सुल्ताना ये सब परिवार का, लच्छा नहीं है और रखा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रखे किसे 7.5 साल से अपनी जायदाद समझता आ रहा था, तो मलबे को। चिरागदीन को किस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। पाकिस्तान से लोग किस बहाने अमृतसर आए थे, हॉकी मैच देखने के बहाने। कितने साल बाद, 7.5 साल बाद। अमृतसर की हर सड़क पर किसकी टोली घूमती नजर आ रही थी, मुसलमानों की। मोहन राकेश का वास्तविक नाम या असली नाम क्या है, तो मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ, 1925 ईस्वी में। मलबे का मालिक कहानी में लोग त्यौहार से कितने साल बाद आए थे, 7.5 साल बाद। गनी खां के बच्चों की लाशें कहाँ मिली, तो सतलज नदी में। मलबा हमारा है किसने कहा है, तो रखे पहलवान ने। वह आग लगाने वालों को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, यह कसम किसने खाई है, रखे ने। मकान की रखवाली के लिए इनमें से किसने अपनी जान नहीं दी है, किसवर और सुल्ताना। इन चारों ने जान दिया था, लेकिन गनी मियाँ ने जान नहीं दिया मकान की रखवाली के लिए। कितनी अच्छी थी वह, तो वह कौन है यहाँ पे, तो जुबेदा को वह बोला गया। और ये लाइन जो है, ये पंक्ति जो है, वो गनी मियाँ बोल रहा है। लोकू पंडित किस पाठ का पात्र है, तो मलबे का मालिक का पात्र है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट जो है गद खंड के इम्पोर्टेंट जो है MCQ क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इस अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कविता के सेक्शन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसका डिस्कशन करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।